इस वीडियो पे रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है उसके बारे में देखेंगे। पहले डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे। रिकॉर्ड ऐसे क्लिनिकल, क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। रिकॉर्ड्स कई तरह से यूज किया जाता है, बट हॉस्पिटल में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो रिकॉर्ड ऐसे क्लिनिकल साइंटिफिक, साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि रिसर्च के काम भी इसमें आती है। मतलब पेशेंट आता है, फिर भर्ती होता है, दवाई देता है, और ठीक होने के बाद कौन सा दवाई अच्छा से काम कर रहा है, इसके लिए रिसर्च होता है। नॉट ओनली दवाई, कुछ कुछ प्रोसीजर्स को भी उसको इवेल्युएट करता है। ठीक है, तो इसलिए साइंटिफिक कहता है। ठीक है, क्लिनिकल साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव का मीनिंग है कितने लोग आए कितने गए, तो वो भी एक रिकॉर्ड होती है। लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड द सोसाइटी। लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई केस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट अचानक मर गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, सो हम लोग ने जो लिखा है वो एक लीगल प्रूफ डॉक्यूमेंट है। ओके, दिस डॉक्यूमेंट विल बी केप्ट वेरी सेफ एंड जब भी जरूरत पड़ते हैं वो समय में इसको लिया जाता है। ओके, वंस अगेन मैं रिकॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। अ रिकॉर्ड इज अ क्लिनिकल साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड द सोसाइटी। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स? कोई भी रिकॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर वन, रिकॉर्ड सर्व एज डॉक्यूमेंट्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स। ओके, रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो है 5 साल तक उसको इनपेशेंट वाला जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यूजुअली 5 to 10 years होता है, डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वो हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल के पहले पेशेंट आया डायबिटीज में, ठीक है, बहुत सीरियस हो गया था, ठीक है, और दवाई वगैरह उसको लगाया, सब कुछ हो गया, उसके ठीक होने के बाद फिर वापस आएगा, फिर हम लोग हिस्ट्री को कहाँ ढूंढना है, तो इसलिए पुराना वाला फाइल सॉरी पुराना वाला फाइल मिल जाएगा, तो उसी में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। ओके, सेकेंड वाला जो है इट इज असिस्ट इन द कंटिन्यूटी ऑफ केयर। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग स्टाफ ने मेडिकेशन लेके गई और उसमें एक दवाई नहीं आया, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, जाओ लेके आओ करके, तो इवनिंग का समय में जो आने वाला सिस्टर का क्या समझना चाहिए, वहाँ सिग्नेचर नहीं है तो इसका मतलब है वो पेशेंट को दवाई नहीं मिल रहा, जैसे पेशेंट रिलेटिव आके दे देगा तो वो दवाई दे देगा। सो दैट इज व्हाट द कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ओके, अब क्या दिया है, क्या देना है, क्या करना है, ये सब कुछ इसमें यूज होती है। ओके, रिकॉर्ड सर्व एज एविडेंस टू सपोर्ट और टू रिफ्यूज द लीगल क्वेश्चन दैट अराइज। फॉर एग्जाम्पल गलती से कुछ काम हो गया, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया, पेशेंट बहुत सीरियस हो गया, तो उसके लिए कोई सवाल उठती है लीगली, तो उसका ये जवाब देता है डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड किया, देखो बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कितनी भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बात लीगली बोलता ना, पेपर और पेन में लिखित में होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट बोलता है। तो सेम थिंग यहाँ भी है, वो समय में ये वाला डॉक्यूमेंट आपने सही सलामत में पेशेंट को कंडीशन डिटोरिएट हुआ क्या हुआ वो लिखा रहेगा, तो 100% वो पक्का यू विल बी एबल टू आई मीन कान आंसर दी लीगल क्वेश्चंस। रिकॉर्ड सर्व टू रिकॉग्नाइज द हेल्थ नीड्स एंड कैन बी यूज एज अ रिसर्च एंड टीचिंग टूल। ओके, सो जो भी रिसर्च है, हमारे हॉस्पिटल संस्थान क्या है, रिसर्च, रिसर्च से रिलेटेड है। ओके, पुराना नाम ही भी वही था, रिसर्च के ही नाम पे आते थे। जो भी है एज अ टीचिंग टूल ऑल्सो, बिकॉज हम लोग को पेशेंट से पता चल जाएगा पुराना वाले पेशेंट कैसे, उसको ट्रीटमेंट हुआ कैसे हुआ क्या हुआ, तो हम लोग आगे में उसको रिसर्च करके पता चलता है कुछ कुछ प्रोसीजर सही है, दवाई सही है, तो उसके बारे में वो हेल्प करता है। ओके, रिकॉर्ड्स हेल्प टू जज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन। क्वालिटी कैसे है, ठीक है, गुड बैड वेरी पुअर, राइट, तो वो आपको क्वालिटी के बारे में बताए, क्वांटिटी कितना मात्रा में हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ कम हुआ, ठीक है, वो दोनों के बारे में आपको रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगी। रिकॉर्ड सर्व एज ए कम्युनिकेशन टूल, बिकॉज एक फॉर एग्जाम्पल एक नर्स ने दवाई दिया है, वो डॉक्टर आके चेक करेगा तो उसका बार बार नहीं पूछेगा सिस्टर आपने दिया है, वो थोड़ी 24 घंटे यहाँ पर आके बैठे रहेगा। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिकॉर्ड सेइंग दैट या इट इज बीइंग गिवन, कम्युनिकेशन टूल का जैसे काम कर रहा है। ओके, रिकॉर्ड्स इंडिकेट प्लान्स फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, इनकेस कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ भी है तो उसको हम लोग एक आइडिया देते हैं, हाँ इसको ये वाला जो सही नहीं हुआ है जो हम लोग दूसरा इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे, दूसरा बीमारी के लिए कोशिश, मीन्स इस प्रकार की टू हेल्प यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम विच इज बीन फेस्ड इन द आई मीन विच इज बीन अकर्ड इन द पास्ट।
ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स है हॉस्पिटल पे? देखो एक्चुअली इमेजेस में मैं बहुत अच्छा यहाँ पर हाइड करके रखा है, स्पेशली जो लोगो वगैरह, बिकॉज आई हैव टू, दिस इज एक्चुअली लीगल डॉक्यूमेंट, सो मैं आपको आइडिया लगाने के लिए मैंने इसको मना के रखा है. ओके, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नथिंग एल्स. ओके, सो आउट पेशेंट और इन पेशेंट रिकॉर्ड होता है. सो आउट पेशेंट रिकॉर्ड देखो यहाँ पर, ये आउट पेशेंट रिकॉर्ड है, यहाँ नंबर रहेगा, सो यूल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज, ठीक है, और नेम रहेगा, सो इस प्रकार डिटेल्स रहेगा. आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है, पेशेंट ओपीडी, ओपीडी कहते हैं बाहर से, तो पेशेंट आता है और वहाँ डॉक्टर को देखता है, वो ये पर्ची बनती है और उसके बाद वो चला जाता है. इन पेशेंट का मतलब भर्ती होने के बाद भी उसको पहले ओपीडी स्लिप और इन पेशेंट स्लिप और उसका पूरा भर्ती करके उसका अलग ही स्लिप बन के इस प्रकार की आती है. और दूसरे नर्सेस रिकॉर्ड, नर्सेस रिकॉर्ड आपको तो पता होना चाहिए, ये केस मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो यहाँ पर नेम है, एज है, वार्ड है, ओपीडी नंबर है, डेट एंड टाइम है, ड्रग्स यूज्ड है. फॉर एग्जाम्पल यूजुअली मेडिकेशन का शीट पे यहीं पर लिखा रहता है, बट दूसरा भी मेडिकेशन शीट आती है, आई विल शो यू लेटर, स्लाइड्स पे आपको दिखा दूंगी. फॉर एग्जाम्पल आज 19/8 है और यहाँ मैं 10 बजे उसको फीवर था पेशेंट को, सो मैंने क्या बोल रही हूँ, टैब पीसीएम ने मैंने दिया. ओके, इट्स 500 mg दे दिया, ठीक, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइन कर दी. और यहाँ पर टेम्परेचर हमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज पीसीएम टेम्परेचर के लिए देता है, नहीं तो पेन है उसको पेन के लिए देना पड़ेगा. तो टेम्परेचर में क्या लिखूंगी यहाँ, टी इज इक्वल टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस प्रकार के लिखना. सो दिस इज अ सबूत है, आपने दवाई दिया और टेम्परेचर इतना हुआ. और सेम थिंग यहाँ पर, ये ड्रग्स यूज यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आता है नर्सिंग नोट्स आता है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अचानक उसको प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, सो सेम टाइम 11 बजे आसपास में पेशेंट को क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ही हैड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ओके, ऑक्सीजन 4 लीटर पर मिनट हैज बीन स्टार्टेड एज पर डॉक्टर XXX, सो भी वर्बल ऑर्डर, इस प्रकार की मैंने लिख दिया, यहाँ साइन कर दिया. तो इसका मतलब क्या होता है, ये मेरी प्रूफ है, लीगल डॉक्यूमेंट है, पेशेंट मतलब डिटोरिएट हो रहे थे और इस प्रकार की मैं कर, दिस इज व्हाट द नर्सेस रिकॉर्ड, यू आर सपोज टू मेंटेन इट. ये है डॉक्टर्स ऑर्डर शीट में, यहाँ पर लिखा रहेगा उनका दवाई में क्या लिखा है, बोलेगा यहाँ पर इंजेक्शन टबैक्टम 1 g QA/L और स्टीम इनहेलेशन देना है, ठीक है, बैक केयर देना है, तो यहाँ पर पूरा डॉक्टर्स ऑर्डर लिखा रहेगा. तो इसी से हम लोग को देखना पड़ेगा, दिस इज कंटिन्यूशन शीट, मतलब ये खत्म हो जाएगा तो ये कंटिन्यू करेगा. ओके, दिस इज अ ग्राफिक चार्ट, हमारा हॉस्पिटल नहीं है, टीपीआर शीट भी कहता है. सो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, देखो ये टेम्परेचर का कॉलम है, सो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सपोज टेम्परेचर पेशेंट का, देखो यहाँ पेशेंट को 102 है, यहाँ से एक लाइन कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस शोज द टेम्परेचर का रेंज पे, राइट. और उसके बाद हर आधा घंटा यहाँ पर टाइम दिखा रहेगा, देखो AM PM इस प्रकार की, यहाँ पर डेट लिखा रहेगा, सो इस प्रकार के आपको कंटिन्यू में करना चाहिए. और ये देखो यहाँ पर पल्स लिखा है, सो दिस विल बी मोस्टली यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करना है. और पल्स का भी सेम थिंग आपको अप एंड डाउन, मतलब एज पेशेंट का जो रीडिंग आता है वो लिखना पड़ेगा. और ये जो है पल्स के लिए, आई मीन रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो लोग ऐसे डायरेक्टली मार्क किया है, सो यू कैन डू इट फॉर दिस वन. ओके, व्हाई दिस ग्राफिकल शीट, दिस इज वेरी इजी, यू नो व्हाई, बिकॉज कोई भी डॉक्टर आके देख रहा है तो पुराना ये कर रहे, 3 दिन में फीवर आया नहीं आया पेशेंट को, तो आराम से पता चल जाएगा कितना फीवर आया क्या आया. बट हम लोग ना यहाँ पर 100.4, 100.2 इस प्रकार के लिखे रहेंगे ना, तो नंबर में हम लोग काउंट करना बड़ी मुश्किल होता है, इसलिए टीपीआर शीट 99% ऑफ द हॉस्पिटल्स में होता है. ओके, उसका अलावा भी यहाँ पर स्टूल कैसे पास हुआ है, यूरिन है, वेट है, बीपी है, हाइजीन क्या है, सो ये भी यहाँ पर लिखा रहता है ना, तो कोई भी आता है ना, दिस इज अ कम्युनिकेशन टूल का जैसा है ना, तो उन लोग को पता चल जाता है, हाँ ये पेशेंट को पास करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये नहीं है, तो इस प्रकार की उन लोग को कन्फर्म पता चल जाता है. ओके, रिपोर्ट्स ऑफ द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का बहुत सारा है, हेमाटोलॉजी का रिपोर्ट ये आएगी, और पैथोलॉजी का भी है, माइक्रोबायोलॉजी का भी है, बायोकेमिस्ट्री का भी है ना, और उसका अलावा भाई सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, इस प्रकार की भी रिपोर्ट्स भी आती है, वो भी फाइल में रखना चाहिए. ये डाइट शीट है, डाइट शीट यूजुअली इंचार्ज के पास ही रहता है. ये पूरा लिस्ट रहेगा यहाँ पर, सपोज मान के जो 40 पेशेंट है, तो यहाँ पर बेड नंबर लगाने के बाद वो पेशेंट को कौन सा डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, हाई फैट डाइट चाहिए, फ्लूड डाइट चाहिए, ठीक है, और कुछ डाइट ही नहीं चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पर लिखा रहेगा, तो उसके बाद उसको बेस है, तो डाइट उसके अनुसार में आता है.
और ये है कंसेंट फॉर्म फॉर द ऑपरेशन अनास्थीशिया। और ये कंसेंट फॉर्म है, पेशेंट को दस्तखत करना पड़ेगा सब, ये पूरा पढ़ना है उसको, उसके बाद यहाँ पर वो साइन करवाएगा। तो उनके मतलब एक विटनेस के लिए भी यहाँ पर एक और सिग्नेचर होना चाहिए। ये कंसेंट है ओके ऑपरेशन करने की, बिकॉज ये बिना कंसेंट से पेशेंट ऑपरेशन में चले गया, ये लीगली पेशेंट आपके ऊपर केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि बिना परमिशन से वो कैसे ब्लेड लगा सकता हूँ उनके ऊपर, है नहीं? प्रोसीजर करने के लिए भी, एनेस्थीसिया देने के लिए भी, नो बडी हैज राइट्स टू टच द पेशेंट, सो वो इलीगल काम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कंसेंट लेना है। कंसेंट मतलब है वो पेशेंट को पहले समझाना पड़ेगा और उसे दस्तखत ले रहे हैं, हाँ देखो ये प्रोसीजर होने वाला है, हम रेडी है, इस प्रकार की वो पेशेंट हाँ बोलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसेंट फॉर्म। ओके, इनटेक आउटपुट चार्ट है, फ्लूइड इनटेक आउटपुट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो रीनल पेशेंट्स है, किडनी का प्रॉब्लम्स होता है, वो पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो टाइम लिखा, बीपी लिखा, बीपी हाई और लो उसके साथ ही करते हैं, बट एक्चुअली यूजुअली बीपी नहीं लिखा रहता है मोस्ट ऑफ द फ्लूइड चार्ट में। यहाँ टाइम लिखा है, आईवी फ्लूइड्स कितना है और आरटी फीड्स कितना है, आरटी मतलब राइल्स ट्यूब, एनजी ट्यूब फीडिंग बोलते हैं ना उसका, ओरली कितना लिया। सो आपको यहाँ टाइम लिखना पड़ेगा 9 AM, और सो वाटर लिया तो वाटर यहाँ पर 200 ml वाटर, इस प्रकार के आप वो लिख सकते हैं। आउटपुट है यूरिन कैसे पास कर रहा है, ठीक है, वॉमिट किया, स्टूल किया है, और कोई एस्पिरेट किया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये प्लूरा होता है ना, लंग्स की आउटसाइड में एक कवरिंग होता है ना, कभी कभी प्लूरल इफ्यूशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, उसको भी निकलेगा ना हमारा बॉडी से, वो भी फ्लूड आउटपुट ही है ना, तो वो भी यहाँ पर आपको ये ऐड हो जाता है। और वॉमिट भी, कितना बार वॉमिट किया अप्रोक्सीमेटली वो लिखना पड़ेगा, और स्टूल पास किया वो भी लिखना पड़ेगा, मतलब डायरिया हो जाता है स्पेशली, वो इम्पोर्टेंट है। सो डॉक्टर क्या करता है यहाँ पर, इसको टोटल करता है, ये टोटल करने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसको 1000 मान के चलो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट है, प्लस 500 ऐड करता है, इसको 500 का मतलब इनसेंसिबल लॉस कहता है। इनसेंसिबल लॉस ये क्या होता है, जैसे जब भी पॉटी करता है ना, पॉटी करते समय में क्या होता है, थोड़ा बहुत वो सेमी सॉलिड टाइप आता है, इसका मतलब वो गीला है उसमें, सो थोड़ा बहुत उसमें फ्लूड लॉस होता है, नंबर 1। नंबर 2 ओके, स्टूल में पास होती है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड साइड में हम लोग जब ब्रीथ आउट करते हैं ना, उसके साथ भी ऐसी थोड़ी गर्म गर्म हवा आती है हमारा, थोड़ा बहुत उसमें भी वो निकल जाती है, और दूसरा पसीना स्वेट के थ्रू भी वो निकल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ ये चीज़ मेशर नहीं होती है, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं 500 का आसपास में ML में वो ऐड कर देता है। सो यूरिन आउटपुट है, ये इनटेक यहाँ पर देखिएगा कितना इनटेक है, और प्लस आउटपुट के इस आंसर में डॉक्टर लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसी के बेसिस में वो लोग आईवी फ्लूड्स लिखते हैं। और नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का रिपोर्ट है ओके, फिजियोथेरेपी का रिपोर्ट है, मतलब कभी ट्रीटमेंट होते हैं उनके लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, नहीं तो स्पीच थेरेपी है, नहीं कोई और ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सब कुछ का ये रिकॉर्ड्स भी होती है। ये है आई मीन डोंट लुक एट दिस इमेज नाउ ओके, ये रजिस्टर, बर्थ की रजिस्टर, बच्चा कब पैदा हुआ, और डेथ की रजिस्टर है, ठीक है, कितने लोग खत्म हुआ, क्या हुआ, एडमिशन, डिस्चार्ज रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर, दुनिया भर का रजिस्टर्स होता है, वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिको लीगल केसेस रिकॉर्ड्स भी होता है, मेडिको लीगल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सुसाइड कर लिया, दवाई पानी पी लिया, नहीं तो कोई काट लिया, ठीक है, कोई कुछ कर लिया, इसको बोलते हैं मेडिको लीगल केसेस कहते हैं, तो वो पूरा पुलिस कंट्रोल में आएगा, तो वो अलग ही एक तरीका से लिया जाता है, ये मेडिकेशन रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड क्या है, मेडिकेशन डिपेंड्स वार्ड वार्ड पे, सपोज यहाँ पर इंजेक्शन ओवर एंड डाइक्लोफिनेक लिख दिया, यहाँ पर 50 mg लिख दिया, सो यहाँ पर आपको टाइम दिया, ये मंथली का दिया गया है, बट यहाँ टाइम भी दिया जाता है 9 बजे, 5 बजे, इस प्रकार के, तो यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा, बस इतना ही है, ठीक है, ये मेडिकेशन रिकॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोग्रेस रिकॉर्ड भी होता है, प्रोग्रेस रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे आज का दिन कैसे था पेशेंट, कल का कैसे था, तो मतलब इस प्रकार के रोज रोज उसको डॉक्टर्स लोग रखते हैं प्रोग्रेस रिकॉर्ड, उसको वाइटल्स चेक लिखता है, और कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ वो लिखता है, प्रोग्रेस नोट्स भी उसी को कहता है ऑलमोस्ट। लॉन्ग टर्म केयर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, मतलब जो कैंसर वाला पेशेंट है ना, तो कुछ ओल्ड एज होम्स वगैरह में होता है ना, ये लॉन्ग टर्म केयर डॉक्यूमेंटेशन भी वहीं पर रहता है। फ्लो शीट्स है, मतलब यूजुअली फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे ड्यूटी लिस्ट होती है, मतलब कब कौन आएगा कब कौन जाएगा, तो उस प्रकार की एक फ्लो शीट
आई मीन सामान में भी होता है, जैसे अंदर आना है जाना है, कौन क्या करता है वो क्या नहीं करता है, वो भी होता है, प्लस ये भी होता है, ठीक है। सो दोज आर द टाइप्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, रिलेटेड टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन हैव अ लुक एट दैट।